हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो पेपर हो गया है और अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पेपर एनालिसिस दे दिया है अपना, और कट ऑफ भी ऑलमोस्ट बता दी गई है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि वो बाकी के जितने भी एजुकेटर्स हैं या फिर जो भी एनालिसिस्ट हैं, वो लोग पेपर को ऑन देयर बिहाफ देख रहे हैं, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर स्टूडेंट्स ओनली देख रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने टॉपर्स बच्चों से बात किए होंगे या फिर उनके टॉपर्स ने उनको फ़ोन किया हुआ है ना। एक दो होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मेरा नहीं हो रहा, नॉट सो मच, क्योंकि जब आपका नहीं हो रहा होता ना, तो देन यू फील डिप्रेस, यू फील एगोनी टाइप, तो यू डोंट वॉन्ट टू टॉक एनी वन। उस टाइम पे आपके लिए जो जरूरी है, ऑल्दो आई नेवर फेल्ट डेट कि मेरा नहीं हुआ हो, क्योंकि हमने 4 बार ही दिया और चारों बार मेरा हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं रहा कि हम वो फीलिंग को एटलीस्ट फील नहीं कर सकते। आप फील कर सकते हैं क्योंकि SSB में नहीं हुआ मेरा, तो ड्रॉप तो कहीं ना कहीं आया है ना, तो चीज़ फील कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे एक दो चीज़ों के बारे में, और वो है NDA के लेवल के ऊपर, क्योंकि दिस इज टोटली इरेशनल, इरेगुलर, और ये UPSC को नहीं करना चाहिए। देखो, आई एम नॉट डैट मच बिग कि हाँ उनसे कुछ अपना पिटिशन वगैरह डाल सकें। हाँ, जो भी चीज़ें कर सकेंगे आई विल डू, जो भी फ्री डोमेन में होगा, बट ओपन डोमेन में, बट जो चीज़ें इंस्टीट्यूट वालों करनी चाहिए वो इससे बेस्ट टाइम नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी एक फाइनल स्टेप लेना ही चाहिए। फाइनल स्टेप ये होना चाहिए कि आपको अपना लेवल डाउन करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल डाउन करना पड़ेगा। किस चीज़ का? एग्जाम का। लेवल डाउन का मतलब ये नहीं कह रहे आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ वेरी इजी पेपर, और या फिर कट ऑफ बाई बहुत हाई चले जाए, इसके बारे में कतई बात नहीं कर रहे, बट हम बात कर रहे हैं एक, आपको अपना एक लेवल रखना होता है ओवरऑल पेपर का। आपने पेपर मैथ का बनाया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। क्या चर्चा नहीं? कि आपने मैथ का पेपर कुछ भी बना के दे दिया है। इस बार के पेपर को देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ, आप NTA से थोड़ा सीख ले रहे हो पेपर बनाने के टाइम पे, तो NTA सीख ले लो कि हाँ, गलतियाँ एक्सेप्ट भी करो। पेपर में इस बार भी गलतियाँ आई हैं। सेकेंडली, पेपर का लेवल टोटली शिफ्टेड है, हाँ, JEE की तरफ जा रहा, शिफ्ट हो रहा, अदर एग्जाम्स की तरफ जो हाइयर लेवल के हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा। दिमाग लगाओ, NDA का एग्जाम एक वो बच्चा देता है जो कि 12th पास करके आ रहा अभी, या फिर 12th में अपीयरिंग में है ना, या फिर बहुत मैक्स टाइम मिलेगा तो 12th का 1 साल मिलेगा। वो बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम दे रहे होते हैं, बट वरना हाई जो परसेंटेज होता है वो होता है जो कि अपीयरिंग में है, या फिर अभी उनका इस साल बोर्ड्स दिया है उन्होंने, है ना। और वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड्स दिया है, जिन्होंने अपने दिमाग को बोर्ड टाइप का बना पाए होंगे, क्या वो जानते हैं? ना के बराबर जानते चीज़ें यार, है ना। दे आर नॉट मच अवेयर टू करंट अफेयर्स एंड अदर थिंग, तो मैथ में इतना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कैसे पढ़ पाएंगे? ना पढ़ पाएंगे, ना उनको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्कूल का लेवल टोटल डाउन कर दिया गया है आफ्टर द कोरोना, है कोविड के बाद लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन टू लो किया गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया। कल ही हमारे इधर फंक्शन था तो एक दो जन आए थे, वो बता रहे थे कि हमको AP NGP पढ़ाया गया, HP तो बता ही नहीं गया, ये क्या होता है। जब पेपर हम देख रहे थे तो हमने, वो भी मेरे बगल में था, एंड ही विल गो फॉर NDA 2, बट दिस ईयर उसने कहा ये HP क्या होता है, और HP वाला जो क्वेश्चन गला था उसके वही हम पढ़ रहे थे, तो कहता HP क्या होता है, तो वहाँ से फील हुआ कि हाँ सच में। और ही इन SSC बोर्ड, वो ऐसे SSC बोर्ड को अच्छा बोर्ड हम मानते हैं क्योंकि है रीजन उनके, वो अलग एक इशू हो सकता है, बट उनके टीचर्स ने उन्हें उनको अगर HP के बारे में नहीं बताया, तो ऐसा नहीं कि उसी के स्कूल में नहीं बताया गया होगा। हमने बहुत और भी जगह पर ऐसा फील किया है कि
सिलेबस में कहीं ना कहीं कट डाउन कर दिया गया है ऑन ड्यू टू देयर टीचर्स रिस्पेक्टिव बोर्ड्स या फिर कुछ और रीजन्स की वजह से किया गया, जो कि बोर्ड्स ने ऑफिशियली किया कि कुछ कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कर देते हैं कि ये तो आते ही नहीं तो इसको क्या पढ़ाने से फायदा है। तो ये दिक्कत आई नो कि यूपीएससी की नहीं है, ये आपके सिलेबस में चीजें दी गई थी, आपने दिया है, बट एक चीज समझो, आपका सिलेबस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस डिपेंड्स अपॉन योर एस्पिरेंट्स, जो पेपर देने आ रहे हैं अगर उनको ही नहीं पता है क्या चीजें आप पूछने वाले हो तो आपको पेपर लेने से क्या फायदा है, क्या वो दो किस चीज को बेस माने, NDA 2 2023 को बेस मान के चलें या फिर NDA 2 2022 को बेस माने, है? क्योंकि जब वो पेपर अपने बोर्ड्स के देते हैं तो गेस पेपर लगाते हैं, मॉडल पेपर लगाते हैं, तो वो तो लास्ट 5 ईयर्स के लगाते हैं, आपके भी एग्जाम को देने आएंगे और एनडीए को भी देंगे जब, तो लास्ट 5 ईयर्स के लगाएंगे। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, आप क्या करते हो पेपर पैटर्न से एक ही एग्जाम एक ही ईयर का रखते हो, कोई बैलेंस नहीं रहता आपके पेपर में, कभी भी कुछ भी पूछ रहे हो और लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करते जा रहे हो, कट ऑफ लो करोगे पक्का है। इस ईयर की कट ऑफ जो हम बताएंगे ना, और वो हमें पता है कि बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स 5 to 10 नंबर का डिफरेंस आएगा ऑफिशियली में और मेरे में, है ना? बट जो आप पेपर का लेवल इंक्रीज करते जा रहे हो, कट ऑफ को डाउन करते जा रहे हो, इससे मिलेगा क्या एट द एंड ऑफ द डे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, एक हवा बैठ जाएगा एनडीए एग्जाम का, है ना? और फिर बहुत एक ऐसा हो जाता है ना कि जब बहुत कठिन चीजें होती हैं ना, तो उसमें फिर वही लोग आते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली भी, फिर वो कहते हैं कि ये तो मेरे लिए एग्जाम ही नहीं है। यहाँ से आप ही खुद एस्पिरेंट्स को कह रहे जाओ यार, हम ये नहीं कह रहे कि वो कमजोर दिल के हैं या फिर वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो भाई, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए जिगरा होना चाहिए या, और थोड़ा सा आपको दिल में चीजें रखनी पड़ती हैं कि हाँ हम जा रहे हैं फोर्सेज में, तुम कुछ भी आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, बट इसका मतलब थोड़ी ना है कि ऐसा पेपर वो अटेम्प्ट करने आएंगे जब उनको पता ही है कि यार ये नहीं होगा हमसे। कुछ भी रेंडमली पूछ रहे हो आप बताते हो कि सेक्शन डी डी है ना, नहीं सेक्शन शायद बी है फिजिक्स में, जो ऑफिशियली आप अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हो उसमें उसका सिलेबस बहुत रखेंगे, और फिजिक्स देते क्या हो ना के बराबर, देते भी हो तो क्या 12th के कॉन्सेप्ट 11th के कॉन्सेप्ट, कल तक आप अपना एग्जाम ले रहे थे तो 10th का कॉन्सेप्ट देते थे ना क्या, तब आप एग्जाम तब वो 7 से 8 हजार बच्चे नहीं क्लियर करते थे, तब भी 7 से 8 हजार बच्चे क्लियर करते रिटर्न, अभी भी करेंगे, तो अभी ये इंक्रीज क्यों आया है, ज्यादा लोग पेपर देने लगे हैं, बिल्कुल देंगे, तो आप ऐसा करो ना कि पेपर को एक बैलेंस कर दो, उस चीज को कठिन बनाओ जो कि, और ऐसी चीज कठिन बनाओ कि पेपर एक तरीके का बैलेंस रहे। मान लो आपने फिजिक्स को कठिन बना दिया है, तो फिजिक्स को एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली कठिन बनाया है आपने, तो 10th क्लास के बनाओ, अगर आपको ऐसे ही कहना है तो आप लिखो फिर उसमें 12th क्लास तक का सिलेबस। अब आप कहोगे कि हम 12th तक के बच्चों को ले रहे थे तो 12th तक का सिलेबस आएगा, बिल्कुल आएगा, पर कल तक तो आप नहीं दे रहे थे, कल तक तो आप नहीं दे रहे थे, यहाँ पर आप एक ऑप्शन और आपके पास है, आप ये किया करो ना, एक मॉडल पेपर दे दिया करो हर एग्जाम के पहले, 1 2 3 जितने भी मन में आए ना, 1 2 चलो 3 मॉडल पेपर देना है। अग्निवीर में भी तो होता है यही चीज, जेई मेंस में भी तो होता है यही चीज, बाकी एग्जाम्स में भी तो होता है, वो भी तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लेते हैं ना एग्जाम ऐसे, तो आपको भी यही करना चाहिए। देखो ये मेरा सिर्फ सजेशंस हैं, ये हम कहीं ऐसा नहीं कह रहे कि ये करो करो करो, यू आर मच हायर देन एनीबडी, आपके पास अच्छे खासे एनालिस्ट हैं, आपके पास आईएएस पीसीएस लोग हैं, है ना, रिस्पेक्टिव सर लोग हैं, उनका भी तो ये चीज सजेशन आ सकता है या फिर आया होगा कभी ना कभी, आप इसमें चेंज लाने की जरूरत है, चेंज नहीं लाओगे तो भाई देंगे तो स्टूडेंट फिर से देंगे, बट फिर वो कहेंगे कि देखो समझो ये चीज, यहाँ पर हम जो कहने जा रहे हैं ना बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, समझो इस बार का जो एग्जाम है पक्का हाई है, इंक्रीज है ना, और कठिन भी था,
मानते हैं जेनुअनली कठिन था। पहली नजर में पेपर आपको लगेगा कि हाँ जो पढ़ा हुआ है कि हाँ ये सर जब लगाने जाएगा ना तो बहुत कठिन निकलेगा पेपर, है ना। और जीएटी में भी वही हाल है, ऐसा नहीं जीएटी कठिन सरल हो। आप क्लोज टेस्ट डालते हो, उसमें पैसे डालते हो, आप वो कैप को कम करते हो आप, और आप उसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्वेश्चन भी डालते हो। ये कल तक तो नहीं आते थे, नहीं आते थे पैसे। लास्ट टाइम पता भी नहीं हमें कब आया था, 1918 में आया था, उसके पहले भी आया हो। क्लोज टेस्ट भी नहीं याद कब लास्ट टाइम आया था। इसका मतलब नहीं कि तैयारी ना करो उसकी, बिल्कुल करनी चाहिए, आपके सिलेबस में करनी चाहिए, बट जो ट्रेंड होते हैं उस चीज को भी तो समझना होता है। इस चीज का फायदा कोई और नहीं, वो उठाएंगे हम लोग कोचिंग से। वो कोचिंग कौन सी है? वो कोचिंग है जो कि सिर्फ इसीलिए बनी ही है। आई नो कि एजुकेशन कभी भी फॉर देयर प्रॉफिट नहीं रहा, बट उन्होंने बना लिया है उस चीज को, और उसको वो इस तरीके से यूज करेंगे। पेपर कठिन आया, वो अब डराएंगे, धमकाएंगे, थ्रेटन करेंगे कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है, अब से 12th तक का पढ़ के नहीं होगा, एनसीईआरटी और हमारे मॉडल पेपर्स, हमारे जो डीपीपीज हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, सभी के हिसाब से पेपर उनके पढ़ाया हुआ आया है, प्रक्रिया किसी ने कर कोई नहीं पाए, है ना। ये चीज समझो कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा गलत नहीं है, वो इशारा बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल भी है। आप वो पेपर क्लियर करने के लिए किसी को थाउजेंड्स ऑफ रुपीज देना पड़े, और एट द एंड ऑफ द डे वो भी ये कहते हैं आकर पेपर वॉज टोटली अनफेयर। और फिर अभी अगली बार में जब तैयारी कराएंगे एनडी टू की, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी बैचे जाएंगे सभी के, तो वो फिर से वही कहेंगे कि हम करा देंगे इस बार हम करा देंगे। क्या आपको पता है यूपीएससी क्या है? नहीं ना, यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल है भाई, यूपीएससी का तो पता नहीं। क्या पता अगली बार वो कुछ नया दे दे, कठिन दे दे, या फिर बिल्कुल ही सिंपल दे दे, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो एक समझदारी वाली चीज होगी वो ये होगी, सभी रिस्पेक्टेड टीचर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एटलीस्ट एक पिटीशन तो डाल ही सकते हैं कि हाँ यूपीएससी अपना एक मॉडल पेपर दे दिया करे। हाँ आइडिया रहे कि जैन में आपका नोटिफिकेशन आया, फेब में आप दे दो, मई में नोटिफिकेशन आएगा, जून के फर्स्ट वीक में आप अपना मॉडल पेपर दे दो, नहीं जून तो साथ ही में मॉडल पेपर दे दो एक दो दिन के बाद, तो एक आइडिया लग जाएगा कि इन विच डायरेक्शन वी शुड गो, या फिर इतना लेवल तक हमको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है यार, कितनी सारी चीजें करनी है, और कब तक करते रहेंगे, और फिर बाद में पता चलेगा यार ये तो पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ क्योंकि इसका लेवल ही कुछ और है, समझ रहे हो। तो ये एक एनालिसिस बहुत, हमें देखो एक दो दिन लगे बट हमने जो चीज देखी वो हमें ये लगी। अच्छा सेकेंडली ये सब चीजें मैथ के ऊपर बेसिकली हम कह रहे थे, मैथ तो जो आपने फिजिक्स में किया है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, वो हम लोगों का है जीएटी पोर्शन, जो मैथ मैथ का हम फिर से कह देते हैं, अभी कट ऑफ वगैरह हम बता देंगे पूरा, है ना। हमारे हिसाब से तो मैथ पक्का डिफिकल्ट था, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, है ना, डिफिकल्ट था ही। अच्छा जीएटी पे आते हैं, तो जीएटी में पैटर्न चेंज हो गया है। अब हमने क्यों कहा पैटर्न चेंज हो गया है, वो तो अभी सभी लोग पेपर ही देख लिया होगा, बट ये चीज हमने जब टेलीग्राम चैनल पे लिखा था ना, टेलीग्राम चैनल पे हमने लिखा था अराउंड 2 PM पे कि जीएटी पेपर चेंज होगा, हमने ये कहा था हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन दे दे, और एक दो चीजें और दिमाग चल रही पर हमने लिखी ही नहीं, हमने कहा हो सकता है कम ज्यादा बोल दे, बाद में सभी लोग कहें कि आए नहीं ऐसा कुछ, और वो चीजें आई, हमें लग रहा था कॉम्प्रिहेंशन, इसलिए हमने कहा था उस टाइम पे, पेपर हमारे पास थोड़ी ना आ गया था, बट इंट्यूशन आ गए थे, कहते एनर्जी नेवर लाइज, तो हमारे पास इंट्यूशन हमें लगा था कि हाँ हो सकता है, क्योंकि इस बार मैथ का पेपर डिफिकल्ट तो था, बट जब पहली नजर में हमने देखा था, हमें सच बता रहे हैं, हमें 70 से 80% हमने खुद ही लिखा था कि 70% तक पेपर पीआईक्यू बेस्ड है। और अगर आप ND2009 के पहले वाले एग्जाम देखें, आप उस टाइम के भी देखें, तो ऐसा पेपर बनाया जा सकता था,
अगर उस टाइम इतना कॉन्सेप्ट से वो देते तो बनाया जा सकता है। टोटली कॉन्सेप्चुअल है पेपर, डिफिकल्ट बना क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है पेपर। आप कुछ लोग कह रहे हैं लेंदी है, कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल है, उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो पक्का कॉन्सेप्चुअल है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से है, और कुछ ऐसे हैं जो लेंदी हैं, जो स्टैट्स पोर्शन है वो लेंदी ही है, लेंदी ही है ना। जो हम लोगों का इंटीग्रेशन वगैरह आए हैं वो इजी रहे, इजी का हो या फिर कॉन्सेप्चुअल का हो, कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे तो 2 पेज भर जाएंगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे इजिली। तो कॉन्सेप्ट हम उसको दे रहे हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, तभी आपको एग्जाम होने वाला है। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ठीक है, गेट का पैटर्न चेंज हुआ और इससे -10 नंबर हो गए कट ऑफ में, माइनस जितना भी आप दिमाग में अपने ले चेक के चल रहे थे वो हो गया। मैथ क्या हुआ, मुझसे भी -10 हो गए, ठीक है, ये हमसे लोवेस्ट बता रहे हैं अभी तक। कैट के पेपर में अगर हम एक आइडिया लगाएं तो 30 क्वेश्चन इन इंग्लिश डूएबल थे, वो तो इजीली मतलब 30 से प्लस भी जाएंगे, बट हम एक एवरेज स्टूडेंट की तरफ से सोचकर हम बता रहे हैं। अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन साइंस में भी डूएबल थे। अब देखो तो साइंस में यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे साइंस बहुत कठिन थी, ऐसे क्वेश्चन आ गए थे, हमें क्या पता था कि सीमेंट क्या होती है, या फिर हमें क्या पता था कि कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता प्रोटीन, या फिर हम लोगों का ऑर्गेनिज्म। थोड़ा ये चीज सोचो यार कि क्वेश्चन पेपर में जब करते हैं, हमने जब भी हम वोकैब वाले सेशन भी ले रहे थे, जब हमने साइंस वाला सेशन भी लिया, तो हमने वहां पर बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेशन आपको करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, पेपर कठिन आ गया अगर तो आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, कामनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। जिसने भी कामनेस मेंटेन की होगी उसने ये वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो सिंगल सेल का होता है ना, लिविंग बींग। हम इससे भी क्वेश्चन को अभी ले रहे हैं, अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो हम सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। दिमाग लगाओ उसमें यही था, प्रोटीन था, उसके बाद उसमें आई गेस टिश्यू था, देन ऑर्गन था, देन ऑर्गेनिज्म। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो इनक्रीज होगी वो सबसे आखिरी तक जाएगी, ऑर्गेनिज्म तक, क्योंकि हम लोग आते हैं उसमें। ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, मिलियंस ऑफ टिश्यू से, टिश्यू सेल्स से बनी होती है, और सेल्स प्रोटीन के कॉम्पोजिशन में होती है। तो हम ये चीज क्या यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। सिमिलरली ऐसे एक दो और क्वेश्चन थे। अच्छा माइक्रोस्कोप के बारे में जो क्वेश्चन आया वो बहुत डीप था, वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं 10th में, बिल्कुल सही बात है, इतना डीप नहीं पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बट हाँ वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाता। रेटिना का माइक्रोस्कोप में सुनूंगा, रेटिना तो सिर्फ आई में होती है ना, तो डीप था बट डूएबल था। हाँ अगर किसी ने सोचा हो ये क्या होता, बट ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकता तो उसमें। ऐसे एक क्वेश्चन था हम लोगों का, और माइक्रोस्कोप का और एक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जो थे वो डूएबल थे आई थिंक। हाँ एटलीस्ट जितने लोगों ने जो मुझसे कनेक्टेड थे वो इस टाइप का दिमाग चला सकते, क्योंकि हमारा मतलब यही होता कि पेपर से नॉलेज से नहीं निकलता है, और यहाँ पर समझ में आया अभी। पेपर में आपको साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि किसी बगल वाले का देख लो वो गलत करके आ गया होगा, इसका मतलब ये है कि अपने चारों जोड़ों को चलाना पड़ेगा और बुद्धि को चलाकर आपको देखना पड़ेगा कि सही आंसर प्रोबेबली क्या हो सकता था। ओके तो अब आते हैं सेफ स्कोर पे। तो जीएटी का पोर्शन भी हमने बता दिया साइंस में, और अगर हम 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मान के चलें कि आपने करंट अफेयर में कर दिए, जो कि हमने देखा कि यहाँ डायरेक्ट आए हैं क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, बहुत बहुत सारे लोगों ने कराए थे वो तो कर सकते थे। आई होप कि सभी ने कर दिए होंगे अच्छे से, सीरियसली पढ़ा होगा। और 10 से ही 15 क्वेश्चन ले ले बाकी की चीजों में, जियो जियोग्राफी को, हिस्ट्री को, और पॉलिटी जो भी आपको इको जो भी बाकी का चीजें आई हैं, 50 क्वेश्चन में से हम 10 क्वेश्चन लेकर चल रहे। तो ये एक ओवरऑल ये हमारे कितने 30, 60, 80 क्वेश्चन तक बन जाते हैं इसमें जीएटी में, डुएबल में, है ना। आप कहोगे हमारे तो 220 भी नहीं बन रहा है, तो समझो यार आपने 280 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए होंगे, या फिर किसी ने आंसर किया आपने देखे होंगे इसमें 2-4 क्वेश्चन उन्होंने गलत मार्क करा दिए होंगे, तो इतना बड़ा यहाँ पर फर्क नहीं आता। इसीलिए समझे ना कि कट ऑफ क्यों वेरिएबल करती है, क्योंकि आंसर की जो होती है वो अलग हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा से अपने ऑफिशियल आंसर की में कुछ ना कुछ डिफरेंस लाता है, मतलब जानबूझ के नहीं, एक्चुअली उनके आंसर ही अलग होते हैं,
एक दो क्वेश्चंस के उसमें वेरी करते हैं, और कभी इस चीज पे कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि इतना मैटर ही नहीं करता ना। फिर आगे आते हैं सेफ स्कोर पे। तो सेफ स्कोर हमारे अकॉर्डिंग है 280 से लेकर 290, और इतना लो। सभी लोगों ने या फिर बाकी लोगों ने 300 प्लस तो बात की है, बट देखो हमने जो अंदाज लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि मैथ का आपकी कट ऑफ 110% श्योर है, 20% रहेगी। और सिमिलरली जीएटी की भी यही हो जाएगी। फिर अगर इस हिसाब से मैथ में हम देखें तो आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका मैथ का कट ऑफ क्लियर है। और हमें पता है कि अगर मैथ क्लियर कर ली किसी ने तो शायद है कि उसने जीएटी का पोर्शन ना क्लियर कर पाया हो, क्योंकि जीएटी में जिस तरीके से हमने बताया है कि हमने देखा है कि पेपर इतना तो डूएबल था ही। हम अगर अपने हिसाब से हटाते तो उसमें 10 क्वेश्चन और हटाते तो फिर भी आपके पास 65 से 70 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इसको हम अगर दिमाग में लाएं तो हमारे पास 280 नंबर तो मैक्स मैक्स बन ही जाते हैं। मिनिमम भी करें तो 260 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो 260 मार्क्स है ना। अगर ये नंबर और ये नंबर को ऐड कर दिया जाए फिर भी इस कट ऑफ के बीच में आ रहा, तो सेफ स्कोर तो हमारा 300 प्लस जाएगा जाएगा। वो तो अगर 300 प्लस हो, एक नंबर प्लस हो, तो आप एसएसबी की तैयारी करो, आपका नाम पीडीएफ में आएगा, लो नंबर पीडीएफ में मिलेगा, बट जो कट ऑफ है वो यही रहने वाली है, यही रहने वाली है पक्का। और 20-20% हमारी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। वॉट इट, अब आते हैं अभी क्या, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने से क्या फायदा है यार उसके, है ना। तो नाउ व्हाट, नाउ व्हाट का सिर्फ एक ही सिंपल सा आंसर है, वो है कि अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 300, यू आर इन सेफ जोन, आप तैयारी करो एसएसबी की और प्लस रिटर्न की। पूछो क्यों, क्योंकि अगर आर्मी वाले हो तो आपकी एसएसबी बहुत जल्दी हो जाएगी, जल्दी की डेट्स मिलेंगी, चूज भी कर सकते हो, बट मैक्स टू मैक्स क्या ही देरी कर पाओगे जब उन्होंने डेट ही लास्ट जुलाई तक की रखेंगे। अच्छा, और जो एयरफोर्स वाले उनके एसएसबी बहुत लेट होती है, वो सितंबर तक भी पहुंच जाती है, डेट्स ओपन रहती है वहां तक की अगर चूज करते हो तो इसीलिए कह रहे हैं कि सितंबर में अपने लोगों का एग्जाम ही है, तो एसएसबी के साथ साथ में रिटर्न की प्रिपरेशन करनी, और रिटर्न की हार्ड कोर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस बार भाई, हार्ड कोर। उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे कि अब की बार क्या होना चाहिए आपका रिटर्न का, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ ना तो एक बात बता देते हैं, कोई एग्जाम ये हम शुरुआत से कहते जा रहे हैं फुद्दू से एग्जाम है, अगर फुद्दू सी चीज़ आपसे नहीं निकली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फुद्दू हो, आपने अपना बेस्ट दिया है, कहीं ना कहीं गलती पक्का होती है, दिमाग लगाओ। जिसने रिटर्न निकाल लिया और एसएसबी नहीं होता उसको कितना दुख होता है, एसएसबी हो जाता मेडिकल नहीं होता कितना दुख होता है, मेरी डाउट होता है उसके बारे में सोचो जरा। हर एक स्टेज पे अपने अपने छन्नी लगी हुई है, उसमें से बाहर आओगे दुख बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दुख तक जाओ ना, जाओ, बट हम एक बात बता रहे हैं कि आप जैसे और भी लोग हैं, डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा वो है आप, क्या करोगे दोबारा से वहीं पर खड़े होगे, प्रिपरेशन करोगे। इस बार आप ये याद रखना कि आप जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आपको पता है कि पेपर कैसा आता है, सबसे बड़ी चीज यही है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई को बड़ी को जो भी कहो, वो इस बार 32 क्वेश्चन शायद मैथ में स्कोर कर रहा है, एंड 74 विथ प्लस माइनस 4 क्वेश्चन जीएटी में। हमें पता है कि मैथ में अगर एक दो क्वेश्चन और उसके गलत हुए ही इज आउट टोटली, बट का जो इस बार का कॉन्फिडेंस था ना वो हम खुद ही कह सकते हैं कि उसका होना चाहिए था, क्योंकि उसने पिछली बार भी यही कहा था कि हमें यही समझ में आया पेपर कहाँ से आया क्या हुआ, पर इस बार पता वो कह रहा खुद ही कि पेपर हमने अपना बेस्ट दिया है, नहीं होगा कोई बात नहीं, हाँ होने दो, बट हाँ दुख होगा कि मेहनत की है और होना चाहिए था, बट हाँ अगली बार और फोड़ देंगे यार। अब उसमें आपके हाथ में जो था वो कर लिया, टेलीग्राम पे भी हमने ये चीज बोली थी, अपने हाथ के बाहर की चीजों को अब पकड़ना, पकड़ने में अपने आप को रुलाना डिप्रेस करना वो बंद करो भाई, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो थी आपकी पढ़ाई, आपका अच्छे से एग्जाम लिखना देना, आपने अटेम्प्ट किया बहुत है, लेट्स सी क्या भगवान जी बोले तो यूपीएससी अभी तो फिलहाल वही है ना, अभी तो वही है ना कि
भगवान जी तो वही रोल प्ले कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना और लो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदाज में तो और लो हो सकती है, पर हम कहेंगे नहीं, क्या पता यूपीएससी कहे नहीं 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 इतना मैं गिरा हुआ नहीं हूँ मैं गिरा हुआ बंदा जब नीचे वाली अला हाल नहीं करेंगे आई होप, वरना तो फिर सबके भाव बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, तो अगर आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको अपने इस बार तैयारी करनी है, हार्ड कोर प्रिपरेशन करनी है। उसके बारे में अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, देखना, हम उसके बारे में फुल प्रूफ चीजें बताएंगे। ओके डोंट वरी, हाँ प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें अपने आप में लगती है वो प्रैक्टिकल चीजों की लगती है, कि यहाँ पे हम हमेशा प्रैग्मेटिक रहते हैं। चलो ठीक है भाई, अब डिप्रेशन वगैरह हम ना जाना है ना, रिजल्ट आ ही जाएगा सेकेंड वीक तक, सेकेंड वीक ऑफ मे। ओके, और पक्का हमें पता है कि जिसके 300 मार्क्स बन रहे वो भी श्योर नहीं होंगे, अभी कह रहे होंगे कि नहीं रिजल्ट आए जल्दी आए, वो डेली एक ना एक जगह पर कहीं ना कहीं मैसेज कमेंट में कहीं ना कुछ करते रहेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो भाई ये यही तो जिंदगी जीने का मजा है, समझो। कुछ लोग उदास हो जाते हैं कि पेपर हो गया अच्छा नहीं गया, अरे हो गया ना, सबसे बड़ी बात तो सोचो हो गया ना, आपने अपना दे दिया, बात खत्म यार, क्या इतना पीछे पढ़ना है, हो नहीं रहा यार, अपना बेस्ट किया है ना, नहीं किया है तो फिर तुम्हारी गलती है, तो इस बार आज ही से बैठ जाओ यार कॉपी पेन लेकर। अब ये ना सोचना कि हाँ अब एक हफ्ते तक हम कट ऑफ वीडियो देखेंगे, देन नेक्स्ट वीक तक हम देखेंगे अपना कब तक हमारा रिजल्ट आएगा, एंड थर्ड वीक में तो आ ही जाएगा रिजल्ट, और 3 वीक आपने बर्बाद कर लिए, टोटल 4 महीने मिल रहे हैं फिर कहोगे सिलेबस एक कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये चीज भी कहोगे कि यार वन शॉट देख के काम चल जाएगा क्या ओके तो ये सब चीजें बंद करो, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, करो मेहनत। ओके चलो वीडियो में मिलते हैं फिर, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं, किसका बेस्ट बुक्स और जो प्रिपरेशन हो सकती है वो। ठीक है चलो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।